सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था क्रिएटर स्टूडियो के न्यू अपडेट के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था अच्छे से कि आप लोग क्रिएटर स्टूडियो का जो न्यू अपडेट आया उसमें कैसे अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको क्रिएटर स्टूडियो का जो एक बॉक्स आया उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग जो लोग चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि जो है अभी क्रिएटर स्टूडियो में एक बॉक्स आ रहा है, क्योंकि जो है उसमें प्रॉब्लम आया। तो क्रिएटर स्टूडियो में जो कुछ आप वीडियो अपलोड करेंगे उसका व्यू आपको 0-0 देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ है तो इसे कैसे फिक्स किया जाएगा, तो आज की वीडियो में मैं इसी पे बताऊंगा। और मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं आप लोग के लिए इसी तरह का मोबाइल अनलॉकिंग और साथ में टेक रिलेटेड कंटेंट और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते रहता हूँ इसी चैनल टेक्निकल दीपक 2020 पे। बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं मैंने भी अपना क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और आपको साइड में यहाँ पे दे दे रहा हूँ किस तरह से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आज सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था और उसका जो मैं व्यू चेक कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे 0-0 शो हो रहा है, लेकिन मुझे जो है डैशबोर्ड में शो हो रहा है, उसमें जितना व्यू आया 15 व्यू आया शो हो रहा है। लेकिन आपको क्रिएटर स्टूडियो को जब एनालिटिक्स में मैं जाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं सारे 0-0 आपको जो है व्यूज ये सब सारे 0 देखने को मिला है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, तो इससे आप घबराए नहीं, क्योंकि जो है यूट्यूब में जो है इतने सारे दिन भर में वीडियो अपलोड होते हैं और इतने सारे लाइक उनकी टीम अभी लगता है मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि सिस्टम कभी कभी क्रैश हो जाता है। आप लोग का भी फोन या लैपटॉप कभी कभी देखिएगा ज़्यादा लोड पड़ने से वो हैंग करने लगता है, क्योंकि जो है इसमें डाटा सेव रखना काफ़ी मुश्किल होता है। वो लोग डाटा को अभी इतने सारे डाटा अपलोड होते हैं दिन भर में, इतनी सारी वीडियो अपलोड होती है, यूट्यूब टीम ये सब जो है मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब सिस्टमाइज है, लेकिन आप बड़ा ही नहीं, ये जो बग्स आया इसे फिक्स कर लिया जाएगा जल्दी से, तो जो है एक अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने इस प्रॉब्लम को देखा, मैंने आप लोग को चाहा कि फटाफट इस पर वीडियो बना के दे दिया जाए, क्योंकि जो है अभी जो न्यू वीडियो अपलोड करूँगा जैसे ही फर्स्ट में वीडियो जैसे किसी भी प्रॉब्लम पे आती है तो आदि आप भी बना के अपलोड कर देंगे तो आपका भी वीडियो पे व्यू आने का चांस बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने इस प्रॉब्लम को देखा तो फटाफट मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोग को सूचित कर दिया हूँ और बता दिया हूँ। तो ये प्रॉब्लम जब जब कभी भी आए तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, कभी कभी ये सब सिस्टम हैंग हो जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा एक दिन के लिए इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप बंद हो गए थे कुछ ही घंटों के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो ये सब जो है सिस्टम से चलता है, क्योंकि जो है सर्वर है इसमें और सर्वर में जो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो कभी कभी देखिएगा आपको बैंक का सर्वर डाउन देखने को मिलता है, तो इसी तरह से यूट्यूब का भी सर्वर है तो उसमें जो है अपडेट होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये जो एनालिटिक्स में आप लोग को 0-0 व्यू देखने को मिले, इससे आप टेंशन ना लें, आपका जो है अपडेट हो जाएगा फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।